नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव में। पेश है आज की खास खबर। लखनऊ में शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। एलटी कला नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। विद्यालय आवंटन को लेकर 29 अक्टूबर को खोला गया था पोर्टल, जिसके बाद 12 नवंबर को अभ्यर्थियों को देना था नियुक्ति पत्र। एक माह बीत जाने के बाद भी नहीं मिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन। कपिल त्यागी, मांगों को लेकर आप यहाँ सर? हमारी मांगे कुछ नहीं है। हमारा एक्चुअली शिक्षा निदेशालय ने 29 अक्टूबर को पोर्टल खोला था विद्यालय आवंटन के लिए, और वो 7 तारीख तक हमको खोलना इन्होंने खोला था। विद्यालय आवंटन इन्होंने पूरा करा लिया। 12-11 को हमको इनको नियुक्ति पत्र निर्गत करना था, बट हमको आज तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं हुआ है। हमको बार बार यह आश्वासन मिलता। 25 तारीख को हम यहाँ पर आए थे निदेशालय में, तो विनय पांडे सर जी और विकास श्रीवास्तव जी ने हमको हमसे कहा था कि हमारी फाइलें मुख्यमंत्री जी के पास गई हैं संस्तुति के लिए। अगर वो लोग इसको संस्तुति कर देते हैं या वो वापस कर दें, अगर वो वापस कर देते हैं तो हम तुरंत आपको नियुक्ति पर निर्गत कर देंगे। बट अभी तक हमको नियुक्ति पर निर्गत नहीं हुआ है, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमारी फाइलें वापस निदेशालय आ चुकी हैं, बट आज तक भी हमको नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है। कितना समय गुजर गया है हमको इसको, जो है एक महीना गुजर चुका है। 12 तारीख को पोर्टल मतलब नियुक्ति पत्र मिलना था, आज 10 तारीख हो गया सर, एक महीना गुजर चुका है। हम सभी 138 चयनित शिक्षक भारी आर्थिक मानसिक हर तरह की पीड़ा वहन कर रहे हैं, उसका अनुमान नहीं है। और आज अगर हमको नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होता है तो हम क्रमिक अनशन यहीं पर करेंगे, इतने हम यहाँ से नहीं जाएंगे।